हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल खबरी और मैं हूं प्रभात पोद्दार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसका नाम है टीवी टूरिज्म। देखिए, टीवी टूरिज्म या फिल्म टूरिज्म का अर्थ होता है कि कभी भी कोई फिल्म देखकर या कोई टेलीविज़न प्रोग्राम देखकर किसी जगह को आपको इतना इंटरेस्ट आ जाए कि आप वहाँ पर जाके उसको विज़िट करें। ये अभी हाल ही के दिनों में एक टीवी प्रोग्राम वेनसडे करके रिलीज़ हुआ था और उसकी कहीं ना कहीं शूटिंग रोमानिया में हुई, तो रोमानिया में कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ जाएगा। एक्सपीडिया करके एक वेबसाइट है, उसने ऐसा कहा है कि रोमानिया के होटल्स की इंक्वायरी 55% तक बढ़ चुकी है। देखिए, वैसे तो ये कंसेप्ट 1990 से शुरू हो चुका था, लेकिन इसको धीरे 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 पॉपुलैरिटी अब मिल रही है। 1996 में ब्रिटिश टूरिज़्म अथॉरिटी एक ऐसी पहली एसोसिएशन थी जिसने ब्रिटेन का मैप बनाया था और उसमें उन जगहों का चित्रण किया था जहाँ पे अलग अलग फिल्मों के अलग अलग प्रकार से, मतलब जहाँ पे शूटिंग हुई हो। अच्छा, देखिए, टीवी टूरिज़्म में क्या क्या आता है? न केवल वो लोकेशंस जहाँ वो शूटिंग हुई हैं, बल्कि वो थिएटर या वो प्रोडक्शन हाउसेस जहाँ पे, जैसे जो इन हाउस जहाँ पे आपके, जहाँ पे जैसे बड़े बड़े शेड्स होते हैं ना जिसके अंदर ग्रीन स्क्रीन लगा के शूटिंग होती है, लोग वो तक देखते हैं। कई बार ये तक होता है कि जो थीम पार्क्स बनते हैं वो भी इसका हिस्सा माने जाते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बेसिकली एक थीम पार्क था और उससे इंस्पायर होकर बाद में फिल्म बना दी गई थी। लॉर्ड्स ऑफ द रिंग का जब शूटिंग हुआ था न्यूजीलैंड में, उसका 40% तक न्यूजीलैंड में माना गया टूरिज़्म बढ़ गया। ऑन एन एवरेज पूरे विश्व में माना जाता है 31% तक टूरिज़्म बढ़ सकता है टीवी टूरिज़्म के कारण। इसीलिए कई बार लोकल लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आप फिल्मों की शूटिंग करिए। हैरी पॉटर आपने ज़रूर नाम सुना होगा, तो हैरी पॉटर का जो एक रेलवे स्टेशन का सीन है, 9 3x4 प्लेटफॉर्म एक फिक्शनल उन्होंने बनाया था लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन का, उसको लंदन अथॉरिटीज़ ने एक ऑफिशियल टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जहाँ पे उसकी मर्चेंडाइजिंग भी बिकती है, यानी हैरी पॉटर से रिलेटेड। जिस किले में हैरी पॉटर की शूटिंग हुई थी उस किले की 120% तक विजिट्स बढ़ चुकी हैं। देखिए, ऐसा माना गया था 2017 में करीबन 8 करोड़ टूरिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल टूरिज़्म या नेशनल टूरिज़्म इस बेसिस पे किया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसको टेलीविज़न या फिल्मों में देखा था। हमें लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको और बेहतर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में ज़रूर से ज़रूर लोग इस पर ध्यान देंगे। हम उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा, और किसी विषय पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो हमको ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।